हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आज की एक नए वीडियो के अंदर। यार अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया वीडियो होने वाली है। आप ओल्ड यूट्यूबर हैं या आपने अभी काम कर रहे हैं और आपको ये दिक्कत आ रही है तो आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि यार अभी ना जो पुराने YouTube पर हैं काफ़ी सारे दोस्त हमारे, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। रात मेरे पास एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका मैसेज आया कि भाई हमने जो है ना अपना लगभग 2 साल से हमारा चैनल चल रहा है, वहाँ पर हमने सारी की सारी आईडी वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कर रखा था, बट क्या हुआ यहाँ पर रात के टाइम में हमें एक मैसेज आया, मेल आया एक यूट्यूब की तरफ से कि भाई आपको जो है ना यहाँ पर आपके जो चैनल की सेटिंग है वहाँ पर जो आपका होता है फीचर्स एलिजिबिलिटी, वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। वो 3 ऑप्शनों के अंदर ना यहाँ पर लास्ट का जो होता है एडवांस्ड फीचर्स, जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें होती हैं, चाहे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रहे हो या आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, तो उनमें ना क्या हुआ वहाँ से वो डिटेल हटा दी, यानी कि वो डिसेबल कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पर उन्होंने मैसेज किया कि भाई हमारी जितनी भी वीडियो हैं उनमें जितने भी डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह हैं वो कोई सा भी वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई ये वाला ऑप्शन अगर आपका डिसेबल हो जाता है तो आपका कोई सा भी ऑप्शन वर्क नहीं करता है। तो आज की वीडियो में हम इस चीज़ को जानेंगे और इस पर काम करेंगे कि भाई ये किस तरीके से आपको इसको वापस से इनेबल करना है, जिससे कि आप ये सारे के सारे और कितने सारे फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं वो भी दिखाता हूँ। तो वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गाइस अभी तो यहाँ पर आपको देखो साइड में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर इनके पास एक मैसेज आया था, एक यहाँ पर इनको मैसेज आया हुआ था, जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि इनका नाम है टू हेल्प कीप आवर कम्युनिटी सेफ। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ डिटेल दे रखी है, वी लिमिट सम ऑफ आवर मोर पावरफुल फीचर्स टू चैनल हु हैव बिल्ड एंड मेंटेन ए पॉजिटिव चैनल। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ डिटेल दे रखी है। अब इन्होंने नीचे लिखा हुआ है योर चैनल डजेंट हैव सफिशेंट चैनल हिस्ट्री। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है इट हैज़ लॉस्ट एक्सेस टू एडवांस फीचर्स। तो एडवांस फीचर्स के अंदर जितने भी यहाँ पर ऑप्शन होते हैं वो सारे के सारे इन्होंने बंद कर दिए। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा था वो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, और यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि भाई आप इसको किस तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं, हाउ टू रिस्टोर एसेक्स टू एडवांस फीचर्स। ठीक है, इन्होंने बता रखा है प्रोवाइड वीडियो और आईडी वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको ये काम करने होते हैं और यहाँ पर किस किस चीज़ में इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे आप स्ट्रीम करते हो या डेली की लिमिट आपकी लाइव की या वीडियो अपलोड का यहाँ पर, और नीचे आप देख सकते हैं ऐड एक्सटर्नल लिंक्स टू योर वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये यूट्यूब ने बंद कर दी बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ ये जो आपके यहाँ पर बंद हो गए तो अब आपको इसको चालू किस तरीके से करना है, तो आपको यहाँ पर आना है सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको चैनल वाले ऑप्शन में आना है, और उसके बाद फीचर्स एलिजिबिलिटी पर आना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे एडवांस फीचर्स में कितने सारे ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने बता रखे हैं कि भाई ये जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे के सारे आपके बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर आपको किस तरीके से अब आपको इसको इनेबल करना है ये देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक्सेप्ट फीचर्स पर, तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यूज़ वीडियो वेरिफिकेशन, वीडियो वेरिफिकेशन मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है, आप वीडियो वेरिफिकेशन करोगे तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो आप वीडियो वेरिफिकेशन कर सकते हो, या आप यूज़ योर वैलिड आईडी। देखो आप अपनी जो भी वैलिड आईडी होती है, मेरे ख्याल से आधार कार्ड वगैरह तो इसमें नहीं चलता है, बाकी हम करके देखेंगे उसको भी। उसके बाद यहाँ पर बिल्ड चैनल हिस्ट्री, अप्रूव टाइम यूजली 2 मंथ। तो यहाँ पर देखो आप या तो भाई पहला वाला वीडियो KYC कर लो या आप दूसरे वाला यहाँ पर कर लो यूज़ योर वैलिड आईडी। ये दोनों ही ऑप्शन आपको काफ़ी बढ़िया हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक कर दे तो ये आपको गेट मेल पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी जीमेल आईडी है जिससे आपका चैनल है क्रिएट हुआ हुआ है वहाँ पर आपका मेल चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डन कर देना है, उसके बाद आपको जाना है अपनी मेल के अंदर। ठीक है, मेल वाले ऑप्शन में जाइएगा आप, और वहाँ पर आपको मेल वाले ऑप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर एक स्टार्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, एक नया मेल आएगा आपके पास। यहाँ पर 30 सेकंड में आपके जो वीडियो, अगर आप वीडियो KYC करते हो तो 30 सेकंड में आपका यहाँ पर हो जाता है वीडियो KYC। नॉर्मली आपको अपनी वीडियो KYC करवानी होती है या आप अपना फोटो वगैरह दे सकते हैं, वो 24 आवर्स बताते हैं, बट यहाँ पर पहले ही हो जाता है ये। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आपको एक QR कोड दिखेगा, आपको इसको बड़ा कर लेना है बिल्कुल। अब जैसे आप इसको बड़ा कर लेते हो आपको एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है भाई, तो सिंपल है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट जैसे आपने ले लिया, उसके बाद आप यहाँ पर गूगल के अंदर जाइएगा। ठीक है,
गूगल वाला आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप गूगल लेंस में जा सकते हैं या गूगल में जा सकते हैं, दोनों में ही आप जा सकते हैं। गूगल में जाएंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो जैसा आप जाते हो तो यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो आपको इसके अंदर ले जाना है। उसके बाद आपको एक नया लिंक देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब नया लिंक जो आपको देखने को मिलेगा ना, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नीचे वेबसाइट और कॉपी यूआरएल। तो आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो गाइस जैसे आप यहाँ पर ये डिटेल डाल देते हो तो यहाँ पर देखो आपको कॉपी यूआरएल कर लेना है। कॉपी यूआरएल आप यहाँ पर जैसे कर लेते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर कॉपी यूआरएल या वेबसाइट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सिंपल जाना है क्रोम ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र में आप इसको ले जाइएगा। जैसे आप क्रोम ब्राउज़र पर ले आते हो आपको वो जीमेल आईडी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर वही है तो ठीक है, नहीं तो आप वही जीमेल आईडी सेलेक्ट कीजिएगा जिससे आपका चैनल है। आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह अगर करेक्ट करना चाहे तो आप वो करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ आपके हिसाब से ठीक है तो ठीक है, नेक्स्ट करिएगा। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाता है। यहाँ पर हमारे सामने ना भाई यहाँ पर आईडी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आया है। यूज़ योर ओरिजिनल आईडी, नॉट ए डिजिटल कॉपी और फोटो कॉपी। ध्यान रखिएगा, आप ना तो डिजिटल कॉपी दीजिएगा ना आप कोई कॉपी दीजिएगा, आप ओरिजिनल यहाँ पर आपकी आईडी होनी चाहिए। ठीक है, आप ओरिजिनल आईडी यहाँ पर ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ये वीडियो पहले से बना रखी थी तो मैं यहाँ पर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ये। तो यहाँ पर देखो हमने ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पर कलेक्ट कर ली। अब जैसे आप यहाँ पर ये सारी की सारी डिटेल कलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर पिक लानी है। देखो हमने जैसा आधार कार्ड की डिटेल डालते हैं तो आधार कार्ड की डिटेल ना इसके अंदर एक्सेप्ट नहीं होती है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ दिस टाइप ऑफ आई डी इज डजेंट एक्सेप्टेड, तो आपको यहाँ पर दूसरी आईडी डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने अपना पैन कार्ड की आईडी डाल दी है और यहाँ पर सबमिट कर दिया है। यहाँ पर बोला जा रहा है थैंक्स फॉर सबमिट योर आईडी, तो यहाँ पर भाई 24 आवर्स यहाँ पर लगते हैं। वंस योर आईडी इज़ अप्रूव्ड यू इमीजिएटली बी एबल टू एडवांस यूट्यूब फीचर्स। सारे के सारे आपके जो फीचर्स वगैरह बंद हुए हैं वो सारे चालू हो जाएंगे। आप नए यूट्यूबर हैं तब भी आपको ये ऑप्शन चालू करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि आप नए यूट्यूबर भी हैं तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी आप हर चीज़ को वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान ज़रूर रखना है। आप नए यूट्यूबर हो या ओल्ड यूट्यूबर हो, ये काम आपको ज़रूर करना पड़ेगा। आईडी आपको अप्रूव्ड करानी पड़ेगी। अगर आप अपनी आईडी अप्रूव्ड नहीं कराओगे तो भाई आप यहाँ पर जो ऑप्शन है या लाइव स्ट्रीम वगैरह ये ऑप्शन आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाओगे। यहाँ पर देख सकते हो अभी पेंडिंग में बोला जा रहा है कि भाई पेंडिंग में चला जा चुका है ये, तो यहाँ पर से ये पेंडिंग में जा चुका है और यहाँ पर 24 आवर्स बता रहे हैं, तो देखते हैं कितना टाइम यहाँ पर लगता है। बाकी मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। इसी तरीके से आपको अपनी आईडी डालनी है, पैन कार्ड वगैरह डाल दीजिएगा या अपना वोटर आईडी कार्ड वगैरह डाल दीजिएगा, उनमें भी आपका ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरीके से करके आपको यहाँ पर अपनी आईडी सबमिट करानी है। बहुत सिंपल सा तरीका है यहाँ पर आईडी सबमिट कराने का। और जैसे आपकी आईडी सबमिट हो जाती है, आप वीडियो केवाईसी करा लीजिए या आप आईडी वाले आईडी वेरिफिकेशन, इन दोनों के अलावा तीसरा ऑप्शन चूज़ मत कीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आईडी वेरिफिकेशन भी आपकी बहुत जल्दी हो जाती है और यहाँ पर आपकी जो वीडियो केवाईसी है वो तो भाई आपकी 30 सेकंड में इंस्टेंट हो जाती है। जैसे ही वीडियो केवाईसी आपकी अप्रूव्ड हो जाती है, आप तुरंत आप अपना जो चैनल है वो आसानी से हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कोई से भी आप यहाँ पर लिंक वगैरह शेयर कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर डिटेल शेयर कर सकते हैं, सारे काम आपके यहाँ पर यूज़ होंगे। तो इस तरीके से करके आपको यहाँ पर यूज़ करना होता है भाई, बहुत सिंपल है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा और यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को वॉच करो और जो नए यूट्यूबर हैं वो इसको देखो और अपने यूट्यूब चैनल में एडवांस फीचर्स को इनेबल इस तरीके से आप कर लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई आज की वीडियो में इतना ही।